डीएनडी न्यूज चैनल के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इनकी वाजपेयी। आपको बता दें, बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अध्यापक बनने जा रहे हैं उनको कम से कम एक परीक्षा तो देनी ही होगी और वही सिलेबस जो शिक्षक पढ़ाएंगे उसी से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का क्या कुछ कहना है, आप भी सुने। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना इस सरकार का संकल्प है। माननीय बिहार के शिल्पकार मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ये संकल्प है कि ज्ञान की भूमि बिहार के विरासत को वापस करना है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। हम अपने बच्चों के लिए, अपने राज्य और देश के तरक्की के लिए एक बेहतरीन शिक्षा कैसे दे सकें, इसके लिए यह सूत्र आया है, यह नियमावली आया है। इसमें अगर किसी ढंग का कोई नुस्ख निकालते हैं तो यह उचित नहीं है। और फिर से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे शिक्षक गण हैं, नियोजित शिक्षक, आपका काम शिक्षा देना ही न है और अपने कोर्स को जिसको आप पढ़ाते हैं रात दिन, जिसके लिए आप शिक्षक हैं और जिन बच्चों को आप पढ़ाते हैं, उस कोर्सेज में से कुछ सवाल अगर नियमित होने के लिए, एक कितनी बड़ी बीमारी इस महागठबंधन की सरकार ने दूर की है। आप नियोजित थे, आप राजकर्मी के दर्जा में जाएंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी और अच्छा वेतनमान होगा। तो इस परिस्थिति में और कोई यह कह दे, आज किसी नेता का बयान सुन रहे थे कि एक IAS IPS होता है फिर से परीक्षा देके पास कर सकता है क्या? IAS IPS का काम पढ़ाना नहीं है, शिक्षकों का काम पढ़ाना है। जिस कोर्स को आप पढ़ाते हैं उसी कोर्स में से अगर कुछ सवाल आपके सामने रखे जाएंगे नियत नियमित होने के लिए, इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए घबराना भी नहीं चाहिए। बिहार वासियों को 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरी देनी है, उसका ये आयाम है कि लगभग ढाई लाख से ऊपर ये नियुक्ति 4-5 महीने के अंदर आपके सामने नजर आएगी। पहले के पूर्व का आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि हम बिहार वासियों के बच्चों के लिए, बिहार वासियों के लिए, बिहार के बेरोजगारों के लिए सरकार कितनी चिंतित है। और उसी चिंता को ख्याल में रख करके, फिर माता पिता का ध्यान रख करके, यह ज्ञान की भूमि अगर भारत है तो उसका जद है, उस जड़ में है बिहार। मगध में आप खड़े हैं, यही ज्ञान की भूमि है। पूछ रहे थे फिर आप कहाँ चले गए, अब ये क्या, आप मेरी बात समझिए। जो हमारे मोदी जी हैं नेता बीजेपी के, उन्होंने कहा था शासन काल में, जब उनका शासन चल रहा था NDA का, कि भगवान भी वेतनमान नहीं दे सकता है। आप उस बयान को निकाल के कोट करिए। अब जो राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा है कि साहब BED कर लेता लोग को, कोई रोजगार नहीं मिलता है तो BED कर लेता है। भैया एक अच्छा खासा परीक्षा, आप प्रोफेसर होते हो, कितनी मेहनत से लोग नेट की तैयारी करता है, फिर PhD करता है, नेट की तैयारी में कम मेहनत करनी होती है क्या? फिर वही बच्चा PhD करता है। आप नेट होते हैं, PhD होते हैं, तो आपको प्रोफेसर होने की दक्षता प्राप्त होती है। आप शिक्षक होने के लिए दक्ष हुए, आपने ट्रेनिंग किया, आपने क्या कहते हैं CTET STET पास किया, अच्छी बात है। तो भाई आप पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, तो एक परीक्षा से क्या घबराना, नहीं घबरानी चाहिए। आप ये बताइए अभी आप देखिए, बिहार में जब महागठबंधन बनी तो नफरतवादियों की नींद हराम हो गई। अब एक पहला वेल बिगन हाफ डन, ये शुरुआत संघियों के पांव से जमीन खिसका दिया है, वो चिंता में बरबरा रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट TV बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर पांचवी तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर आठवीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर दसवीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।